आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम जानेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अर्थ पे जो लाइट आती है उसका सोर्स क्या है। अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है सन। सन से हमारे अर्थ पे लाइट आती है और बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सन से ही हमारे यहां आ रही होती है। इसीलिए हम कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे लिए वो है सन। सन से जो लाइट आती है उस लाइट में क्या कुछ होता है, उस लाइट में ये होता है, यानी कि सनलाइट दो तरह के रेस से कंपोज्ड है। एक है विजिबल रेस, ये आप जो देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ विवसियोर, ये है विजिबल रेस, यानी कि वो लाइट रेस जिन्हें हम देख सकते हैं। विवसियोर का फुल फॉर्म है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये वो रेडिएशन है सनलाइट से आने वाली जो हमारे वर्ल्ड को या यूं कह के पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को कलरफुल बनाती है। द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स इज कलरफुल ओनली ड्यू टू विवसियोर फॉर अस, हमारे लिए। ओके, देन अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो इनविजिबल रेस का। दो इनविजिबल रेस हैं जो सनलाइट से आती है, एक है यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और दूसरे है IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये तो आपको समझ में आया कि जो विजिबल रेज हैं विवसियोर वो हमारे वर्ल्ड को कलरफुल बनाते हैं, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या करते हैं, ये हीटिंग कॉज करते हैं। इनकी वजह से हमारा अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो हीट अप होती है, गर्म होती है। अगर इंफ्रारेड रेडिएशंस नहीं होते तो हमें हीटिंग नहीं मिलता। ओके, देन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, ये हमारे लिए बेहद हार्मफुल होती हैं। अब आपके ध्यान में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस है ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं और सिर्फ स्किन कैंसर ही नहीं, लॉट ऑफ डिजीजेस का कारण भी ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बनती हैं। यानी कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे जो भी लाइफ फॉर्म है उन सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए ये डेंजर है, डेंजरस है, खतरनाक है और ये यूं कहे कि लाइफ जो है प्लांट एंड एनिमल लाइफ उसको ये डैमेज करती है। इसके अलावा ये प्रीमैच्योर एजिंग को कॉज करती है, यानी कि समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है और ये आई डैमेज का भी काम करती है, खासकर कैटरैक्ट जो होता है आई में उसके लिए जिम्मेदार ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको ये खत्म कर देती है। कुल मिलाकर के एक बार फिर से हम शॉर्ट में यही कहेंगे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत बहुत डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं। इनका अर्थ के सरफेस पे पहुंचना कतई ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर कतई ठीक नहीं है अर्थ के सरफेस पे पहुंचना तो इनको नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सिस्टम इन रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस पर आने से रोके और अर्थ पे सभी तरह के लाइफ फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करे, उनको सेव करें। चलिए तो ये हो गए इसकी बात। अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन के टू एलोट्रॉप्स हैं, एक है O2 और दूसरा है O3। O2 को हम सिंपली ऑक्सीजन बोलते हैं और ये जो O2 है ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर का जो 21% ऑलमोस्ट 21% जो कंटेंट है वो इसी
ऑक्सीजन का है ऑलमोस्ट 21% कंटेंट, जो ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग गैस है. विदाउट ऑक्सीजन नो लाइफ कैन एग्जिस्ट. ओके, देन ऑक्सीजन का दूसरा जो एलोट्रॉप है ओजोन, यानी कि O3. ओजोन O3 क्या है? यह एक ट्राई ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप हो गया. अगर इसकी बात करें तो यह पेल ब्लू गैस है और इसके पास स्मेल पंजेंट स्मेल होता है. अगर ये ओजोन यानी कि O3 अर्थ के सरफेस पर है तो यह डेडली पॉइजन है, यह वेरी वेरी हार्मफुल है लाइफ फॉर्म्स के लिए. तो जहां अर्थ के सरफेस पे यह O2 लाइफ सपोर्टिंग गैस है, वहीं ये लाइफ डिस सपोर्टिंग गैस है या लाइफ डिस्ट्रॉइंग गैस है ओजोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बट अगर ये अर्थ के सरफेस पे नहीं है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन हाइट पर है, तो फिर ये लाइफ प्रोटेक्टिंग गैस है, लाइफ सेविंग गैस है. कहां पर ये लाइफ प्रोटेक्टिंग लाइफ सेविंग गैस बनता है, आइए उसको जानते हैं. सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ सरफेस है. इस अर्थ सरफेस के ऊपर ये पूरा क्या है जी, एटमॉस्फेयर है. हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली 4 लेयर्स में डिवाइडेड है. जो अर्थ के सरफेस से बिल्कुल सटा हुआ जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. और ये ट्रोपोस्फियर अर्थ का वही लेयर है जहां पे सारे के सारे वेदर चेंजेस होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल विंड है, स्टॉर्म है, रेन है, फॉग है, ड्यू है, वगैरह वगैरह. तो ये सारे के जो चेंजेस हैं, कोल्ड है, हॉट है, वो ऑल चेंजेस इसी ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं. इस पर ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर चर्चा हम लोग अलग क्लास में कर सकते हैं. बट यहां हम जानना कह रहे थे, ये जानना हमारे लिए जरूरी था कि अर्थ के बिल्कुल सटे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, और इसके ठीक ऊपर का जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर थ्रू आउट द स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है ऑलमोस्ट -57°C और -70°F. चूंकि यहां पर कोई टेम्परेचर चेंजेस नहीं होता, इसीलिए यहां पर कोई वेदर चेंजेस नहीं होता, और इसीलिए ये जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है या एयर फ्लाइट के लिए, एरोप्लेन्स के लिए बेटर लेयर है. ओके, फिर इसके ऊपर जो लेयर एटमॉस्फेयर का वो है मेजोस्फियर, और मेजोस्फियर के ऊपर जो भी है वो हो गया एक्सोस्फियर. तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है और ये मेजोस्फियर है, इसी स्ट्रेटोस्फियर के अपर लेयर में, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर का जो अपर लेयर है या स्ट्रेटोस्फियर का जो ये टॉप लेयर है, वही है ओजोन लेयर. यानी कि स्ट्रेटोस्फियर का टॉप लेयर जस्ट बिलो द मेजोस्फियर जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, वहीं पर ये O3 यानी कि ओजोन पाया जाता है, और यहां पर वो काफी डेंसली है, इसीलिए इस लेयर को हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं. ओके, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ओजोन लेयर यहां बनता कैसे है, यहां कैसे बन गया ये ओजोन. तो देखिए, थ्रू आउट एटमॉस्फेयर, नीचे से ऊपर तक पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट है ना, यानी कि O2 का कंटेंट है, और सन से तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती जाती है. तो जब सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, इसी हाइट पर यहां पर इस O2 से मुलाकात होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, और फिर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस O2 को एलिमेंटल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. ये O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना,
O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसको एलिमेंट्री फॉर्म में यानी कि एटॉमिक फॉर्म में ये ब्रेक कर देती है, यानी कि ऑक्सीजन के दो एटम जो यहां मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसमें से हर एक एटम जो वहां पर और O2 अवेलेबल है, यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल अवेलेबल है उसके साथ कंबाइन कर देता है, ये आकर के यहां पर एक और O2 के साथ कंबाइन करके O3 बना लिया, ये जो है ये भी एक और O2 के साथ कंबाइन करके ये भी O3 बना लेगा, और इस तरीके से यहां पर ओजोन का फॉर्मेशन होता है इस लेयर पर, और ये बन जाता है ओजोन लेयर। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हमने आखिर ओजोन को लाइफ प्रोटेक्टिंग या लाइफ सेविंग गैस क्यों कहा इस लेवल पे, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के टॉप लेयर में जब ये है वहां पर हम इसको लाइफ सेविंग या लाइफ प्रोटेक्टिंग गैस क्यों कह रहे हैं, जबकि अर्थ के सरफेस पर या डेडली पॉइजन है लाइफ फॉर्म के लिए। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब यहां पर ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के बाद सन से जब वही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है ना, उन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये ओजोन लेयर या तो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है या फिर एब्सॉर्ब कर लेता है। ध्यान दे क्या करता है, या तो ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है या फिर एब्सॉर्ब कर लेता है, और इस तरीके से इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ के सरफेस पर आने से यह रोक देता है। तो ना ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपको रेडिएशन हमारे अर्थ के सरफेस पर आती है, और ना ही यहां पर इनकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, और जब ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज नहीं हुई तो अर्थ पे जो लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो गई ना, लाइफ सेव हो गई ना, इसीलिए ओजोन को यहां पर हम लाइफ सेविंग या लाइफ प्रोटेक्टिंग गैस बोलते हैं। चलिए अब है कि आजकल ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन से मतलब है कि ओजोन लेयर जो यहां पर है एक थिक लेयर जो था वो धीरे धीरे थीन होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है, थीन होता चला जा रहा है, और जाहिर सी बात है जब ओजोन लेयर थीन होता चला जाएगा या कहीं कहीं से ओजोन बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे तो क्या होगा, वो थीनर लेयर इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ पार्ट्स को अर्थ के सरफेस पर आने से नहीं रोक सकते, यानी कि कुछ ना कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर भी पहुंचने लगेंगे, और अगर कहीं से ये ओजोन लेयर यानी कि O3 बिल्कुल ही गायब हो गया तो वहां पर पड़ने वाली सारी की सारी ईवी रेज अर्थ के सरफेस पर आएंगे, और जब ये ईवी रेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के सरफेस पर आएंगे तो उनका तो जो नेचर है स्वभाव है ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे का तो करेंगे करेंगे, यानी कि अर्थ के सरफेस पे लाइफ को खतरा होगा, डेंजर होगा, और होगा क्या हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका है, थीन हो चुका है, और कई ऐसे पोर्शंस हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में जहां से ओजोन बिल्कुल ही गायब हो गया है, इसलिए उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर में होल, यानी ओजोन परत में छिद्र हो गया है, छेद हो गया है, और वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही है और अपना कमाल दिखा रही है, यानी कि अर्थ के सरफेस में तरह तरह के डिजीजेस कॉज कर रही है, लाइफ को थोड़ा थोड़ा ही करके डैमेज कर रही है। अगर इसको नहीं रोका गया तो एक दिन शायद हुआ जाएगा जब अर्थ पर से लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब मेरी ये बात सुनकर के आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर ये डिप्लीट क्यों हो रहा है, ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा, होल क्यों हो रहा है, ये थिन क्यों हो रहा है ओजोन लेयर। उसका कारण है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी है जिसकी वजह से हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं,
वो हार्मफुल केमिकल्स इस ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके उसको डिप्लेट कर रहे हैं, जिसमें से मेजर जो रोल है वो है सीएफसी का। सीएफसी मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और इस क्लोरो फ्लोरो कार्बन का यूज एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में होता है, या ये कम उन सभी डिवाइसेस में होता है जो कूलिंग इफेक्ट देती हैं। तो आपके घरों में रखा हुआ जो रेफ्रिजरेटर है, जिसको हम फ्रीज बोलते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट करता है, तो उसमें सीएफसी का यूज होता है। जो एयर कंडीशनर से एसी है, चाहे आपकी गाड़ियों में लगे हों या घरों में लगे हों या कहीं भी लगे हों, वो कूलिंग करते हैं, उनमें सीएफसी है, इसलिए सीएफसी उसके लिए जिम्मेदार है। देन सीएफसी कई सारे फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होते हैं, और जितने भी तरह के एरोसोल्स होते हैं ना, स्प्रे जैसे कि आप लगाते होंगे डीओ परफ्यूम, वो जो स्प्रे है ना, उसके अंदर भी सीएफसी है। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रही है, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए हम ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं जिनमें सीएफसी का यूज होता है, और फिर वो सीएफसी रिलीज होती है उन डिवाइसेस से, उन अप्लायंसेस से, और वो लग्जरियस आइटम्स जो सीएफसी रिलीज करती हैं, वो सीएफसी मिक्स हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। सीएफसी इतनी एनर्जेटिक होती है कि वो एटमॉस्फेयर में जो अर्थ के सरफेस पे रिलीज हुई है ना, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। कौन? सीएफसी। और जैसे जैसे ऊपर उठती है क्या होता है, ये ब्रेकअप होने लगती है। हालांकि लोअर लेवल पे हाईली स्टेबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाईली स्टेबल है, ये जल्दी अलग नहीं होते इसके कंपोनेंट्स, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन अलग नहीं होते, स्टेबल होते। लेकिन जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स पे राइज करते चले जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, लाइटर होते हैं, इसीलिए ऊपर उठते हैं, है ना। सीएफसी क्या है, लाइटर भी और उसके पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक भी है, तो इसलिए वो ऊपर उठते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हाइट गेन कर रहे हैं। जैसे जैसे हाइट गेन करते हैं, फिर इनमें ब्रेकअप आता है, क्लोरीन अलग होता है, फ्लोरीन अलग होता है, कार्बन अलग होता है, और इस तरीके से जब ये अलग होकर के ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां जो ये क्लोरीन पहुंचा, यानी कि अलग हो गया, ये क्लोरीन अलग हो गया, फ्लोरीन अलग हो गया, कार्बन अलग हो गया। अब जब ये क्लोरीन ऊपर पहुंचा कहां पर, इस ओजोन लेयर में, तो वहां पर कौन है, ओ थ्री ओजोन लेयर में, ओ थ्री के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है, तो ओ थ्री को ब्रेक करता है। कैसे रिएक्ट करता है, इसमें से एक ऑक्सीजन का एटम लेकर के क्लोरो मोनोऑक्साइड बना लेता है, क्लोरीन का मोनोऑक्साइड बना लिया, और एक ओ टू का मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। फिर जब ये क्लोरो मोनोऑक्साइड है ना एक एलिमेंटल ऑक्सीजन से, यानी कि उसे एक एटम से कंबाइन करता है, तो क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन यहां से निकल करके इस ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल करके ओ टू बना लेता है, और एक बार फिर से क्लोरीन अकेला हो जाता है। अब जब ये क्लोरीन अकेला हो गया, तो फिर ये किस और ओ थ्री के साथ जाकर के यही काम करेगा, फिर उसमें भी क्लोरो मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा, फिर क्लोरो मोनोऑक्साइड फिर अनदर एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो क्लोरीन हो जाएगा, फिर ओ टू क्रिएट होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, यानी कि धीरे धीरे ओ थ्री वहां से खत्म होता रहता है। एक सिंगल क्लोरीन का एटम मेनी टाइम्स इस तरह से कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर करके ओजोन को डिप्लीट करता है, यानी कि ओ थ्री को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में, यानी कि ओ टू और ओ में तोड़ता रहता है, यानी कि ओ थ्री को खत्म करते रहता है। जाहिर सी बात है, ओजोन लेयर थिनर होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, या फिर ये जिस पोर्शन पे ज्यादा होगा वहां पर उसमें होल होगा। क्लियर है?
तो इस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, और जाहिर सी बात ओजोन लेयर जब डिप्लीट होगा तो फिर उसका जो काम था, क्या काम था, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ के सरफेस पर आने से रोकना, यानी कि यह एक शील्ड का काम कर रहा था अर्थ को प्रोटेक्ट करने का ओजोन लेयर, वो खत्म हो गया और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर आने लगी और यह फिर सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे। और ये प्रोसेस को अगर हमने आपने मिलकर कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन आएगा कि ओजोन लेयर टोटली खत्म हो जाएगा। जब ये टोटली खत्म हो जाएगा तो सन से आने वाली सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगी और वो अपना ये हार्मफुल वाला कमाल धमाल के साथ दिखाएंगे। आप खुद सोचिए कैसे अर्थ के सरफेस पर फिर लाइफ बच पाएगी। अगर आपका आंसर है नहीं तो आइए हम और आप मिल करके खुद भी इसको रोकें और दूसरों को भी जागरूक करें ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए। और सिंपल सी बात, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जो तो हैं, रॉकेट से जो प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं वो तो हैं ही, उनमें मेजर जो रोल है वो किसका है, CFC का। तो हम इस CFC का यूज बंद करें। ये कहां कहां से रिलीज हो रही है, जितने भी एरोसॉल्स हैं यानी कि स्प्रेस वाली जो चीजें हैं वहां से रिलीज हो रही हैं, एयर कंडीशनर से रिलीज हो रही हैं, रेफ्रिजरेटर से यूज हो रही है। तो आइए हम सब इनके यूज को बंद करें, अपने अपने घरों से रेफ्रिजरेटर को हटाएं, उसको यूज करना बंद करें। मेरी हम नेचुरल लाइफ को जिए। क्या जब रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस वक्त लोग मर जाते थे क्या, उनके फूड आइटम्स का सेफ नहीं रहते थे, वो भूखों मरते थे, नहीं ना, वो भी अच्छे तरीके से जिंदगी जीते थे, उनको भी कूल वाटर मिलता था पीने के लिए मटके से सुराही से, वो भी अपने फूड को किसी और तरीके से लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते थे या फिर ताजा बनाकर ताजा खाते थे, ज्यादा सेहतमंद रहते थे। तो आइए लौट चलो उस तरफ, जब एयर कंडीशन नहीं था तब क्या लोग मर जाते थे गर्मी से, नहीं ना, गर्मी से बचने को उनके पास कुछ और उपाय थे, प्राकृतिक उपाय थे। हम और आप भी वही अपनाएं और उनको बाय बाय करें, हमेशा के लिए ना कहें। फिर एरोसॉल्स है, क्या सब एरोसॉल्स नहीं थे, ये स्प्रेस नहीं थे यानी कि ये परफ्यूम और ड्यू नहीं थे, तब क्या लोग बदबू देते रहते थे, या वो भी अपने शरीर को खुशबूदार बनाने के लिए इत्र का प्रयोग करते थे, खुशबूदार फूलों के रस से बनाए गए इत्र को प्रयोग करते थे, चंदन का प्रयोग करते थे। तो हम क्या आज उस प्राकृतिक युग में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तो जरूरत है कि इस आर्टिफिशियल लाइफ को बंद करके हम एक बार फिर से नेचुरल लाइफ की तरफ बढ़े और CFC जनरेट करने वाले सारे अप्लायंसेस को, डिवाइसेस को या फिर लग्जरियस आइटम्स है उनको हमेशा के लिए टाटा और बाय बाय बोले, उनको नो बोले। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन वी थ्रो आवर गार्बेज और वेस्ट टू द एनवायरनमेंट।